अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है, मैं नफ्सियात हूँ। मेरी वीडियोस आप देख रहे होंगे आप लोग, थैंक यू सो मच। आप लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो है मोहम्मद रफ़ीक साहब, चोटी से आए हैं, मेरे साथ बैठे हैं। इनको 10 साल से साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, 10 साल से ये ट्रीटमेंट कराते रहे। मुल्तान भी गए, भावलपुर भी गए। तो उसके बाद जब किसी ने रेफ़र किया, ये आए मेरे पास, मैंने डायग्नोज किया तो ये सीवियरली डिप्रेस्ड थे, सीवियर डिप्रेशन थी उनको। उनके अलामत जैसे मैं बताता रहता हूँ, आप लोगों को पता है, दिल की उदासी, रोने को दिल करना, नींद ना आना, भूख ना लगना, नेगेटिव थाट्स आना और सुइसाइडल एडिएशन, इनको खुदकुशी के ख्याल आते थे। ज़िंदगी इनको बोझ लगती थी, बस जीने से मरना ही बेहतर है। सो जब मैंने इन्हें डायग्नोज किया, इनको मैंने ट्रीटमेंट किया, उसके साथ ही मैंने इन्हें एडवाइज़ किया, अभी आप मशीन लगवाएं, मशीन इलाज करवाएं, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड वेरी रैपिडली उसका इफेक्ट्स आता है, बहुत जल्दी मरीज ठीक होता है। सो ये मान गए, एग्री हुए। इनको मैंने 5 मशीनें लगाई, 5 ECG लगाई। 5 मशीनों के बाद इनके जो कमेंट्स हैं, ये मुझे अभी आप ही सुनेंगे, इन्होंने मुझसे भी बात की है, बेहतर है आप इनकी ज़ुबान ही सुने तो ज़्यादा बेहतर है। तो ड्रामेटिक इफेक्ट्स है हमारा, ये क्वाइट सेटिस्फाइड, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वो कहाँ गई 10 साल की बीमारी, वो बोझ, वो खुदकुशी, वो रोना, वो डिप्रेशन, सारा ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखें, 4 सितंबर को मेरे पास है, 4th अब दिस मंथ, आज 22 है, 15 दिन हुए हैं इनको, 15-16 दिन, उसमें ये इन्होंने बहुत रिकवर किया है। तो मेडिसिन सिर्फ देखें, 4 दवाई मैंने दी हैं, 3-4 टेबलेट्स दी हैं और 5 मशीनें लगाई हैं। उसके बाद देखते हैं भी रफ़ीक साहब के क्या व्यूज़ हैं ट्रीटमेंट के बारे में और हमारे बारे में। ओवर टू रफ़ीक साहब। मैं छोटी जरीन से हूँ, ये जो जहन अदरैन अस्पताल है, DG काम है, उसके बाद में मेरे को जहनी बीमारी थी, जहनी नसियात की, और उसके बाद में ना मैं 10 साल से बीमार था। मैं बहुत जगह में गया, मुल्तान में गया, ये DG काम है, पूरे अस्पताल में घुमा, तो उसके बाद में तो ये रहना कि दिल मेरे को ऐसा कोई इलाज नहीं लगा। तो ये रहना, ये मेरे को कोई ऐसा मेरा कोई दोस्त मिला, दोस्त ने बोला जो ये जो रहना जैन अस्पताल में डॉक्टर साहब है, तो उसके बाद में आप रहना इसी के पास जाओ। मैं इसी के पास आया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे को 15 दिन हो गया, 15 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अभी मेरे को ऐसा मेरा दिल लगता है जो मेरा, मैं अभी पैदा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो जिसको जहनी बीमारी है, आप जैन अस्पताल में आए, तो उसके बाद में सस्ता इलाज है और डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इखलाक वाला है और बहुत अच्छा है, बहुत रहना हद से ज़्यादा ताउन करने वाला डॉक्टर है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सबको रह जाना खुश रखे, जो जिसको जहनी बीमारी है जैन अस्पताल में लाजम है। बहुत शुक्रिया मेहरबानी। 5 मशीनें यहाँ से लगाया डॉक्टर साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला डॉक्टर को खुश रखे। मैं डॉक्टर के लिए बहुत दुआ करता हूँ, डॉक्टर ने 5 मशीनों का मेरे साथ आधा से ज़्यादा रियायत किया और अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मेरा दिल बोलता है जो मैं अभी पैदा हूँ, बेशक मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब रहना हर किसी के साथ, कोई भी डॉक्टर साहब के साथ नया आदमी आता है या पुराना रहना आता है, डॉक्टर हर किसी के साथ और रियायत के साथ रहना दवाई देता है। अल्लाह ताला डॉक्टर को रहना खुश रखे, हमारा सबका दुआ है जो डॉक्टर साहब का जिंदगी को अल्लाह ताला लंबी रखे। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप लोगों ने सुना होगा, छोटी से हैं, बड़े सिंपल लोग हैं। उसके कहने का यही मकसद था भी, बार बार जो कह रहा है भी, मैं अभी पैदा हुआ हूँ, मुझे भी इसने कहा है कि मुझे डॉक्टर साहब ऐसे लगता है मैं अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। तो ये सुन के वल्ला मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे सेटिस्फेक्शन हुई
भाई लोग इतना खुश हैं और इतने दुआई देते हैं मुझे और इतना ठीक हो रहा है, और सिर्फ ये है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। हाँ मेरा अखलाक ज़रूर ठीक है जैसे वो बता रहे हैं, मेरा एटीट्यूड अच्छा है पेशेंट्स के साथ और गरीब मरीजों के साथ, मैं डिस्काउंट भी करता हूँ, शायद वही वजह हो अल्लाह ताला मेहरबानी करता है मरीज़ ठीक हो जाते हैं और मुझे दुआ देते हैं। सो मकसद क्या है, बार बार मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कोई मकसद सिर्फ एक है, कोई पेशेंट रहना चाहे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, नफसियाती मर्ज हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, डिप्रेशन तो बहुत कॉमन है ना, 20% हर 100 में से 20 बंदों को डिप्रेशन है, उन्हें इलाज की ज़रूरत है, और इस तरह का इलाज मशीनी इलाज जो बंदा 15 दिन में ठीक हो जाए, क्यों अवेल ना करें लोग, क्यों बेचारे इधर उधर भागते रहें और परेशान रहें, खर्चा भी कम हो मरीज़ भी ठीक हो जाओ, तो फिर क्यों ना आप इसको अवेल करें। पैगाम पहुंचाना है आपने, मेरा पैगाम आपने पहुंचाना है, जिसको भी डिप्रेशन हो, सीवियर डिप्रेशन हो, जो 10-15 साल से मरीज़ हो, जो ठीक ना हो रहा हो, एक दफ़ा आए मुझे चेक कराए, इलाज कराए, मशीनें लगवाए, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मरीज़ भी ठीक होगा और दुआएं भी देगा, डिस्काउंट भी करेंगे जैसे भाई ने बताया। ठीक हो गया, काइंडली आप इसे लाइक करें, शेयर करें और पैगाम पहुंचाएं, सब तक पैगाम पहुंचे, जो जो है जनूबी पंजाब पाकिस्तान में वहां तक पैगाम पहुंचे, जो मरीज़ ठीक नहीं हो रहा वो आके एक दफ़ा अपना इलाज कराए, एडमिट हो, मशीनें लगवाए, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। इस वक्त भी मेरे पास क्वेटा से मरीज़ एडमिट है, उसने भी यही कहा है कि मैं पूरा क्वेटा मैं घूमाऊँ मुझे आराम नहीं आया, और यहाँ वो ठीक है, उसे भी आज मैंने 5वीं मशीन लगाई है। सो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा, मरीज़ बहुत जल्दी ठीक होते हैं, रैपिडली इसका एक्शन है, मेडिसन कम हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जल्दी ठीक हो जाते हैं। हाँ जी, आपको कोई नुकसान हुआ है इस मशीन का? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, मैं जब भी 4वीं मशीन लगाया ना, बिल्कुल मैं ठीक हो गया था, बिल्कुल मैं ठीक हुआ था, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, कोई साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, मिथ है, मिसकंसेप्शन है, मशीन ही लगवानी ये हो जाएगा वो हो जाएगा नुकसान हो जाएगा, नो, मेरी जिम्मेदारी है, नुकसान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा होगा, आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगी, जैसे ये भाई कह रहा है मुझे लगता है मैं अभी माँ के पेट से पैदा हुआ, नई ज़िंदगी मिल जाती है, सुकून मिल जाएगा, और क्या चाहिए। ठीक है, मुझे काफ़ी आप लोगों को समझ आ गई होगी, थैंक यू सो मच, अल्लाह।